आप सब लोगों ने एक चीज़ जरूर नोटिस की होगी कि अर्थ से हमेशा मून का एक ही फेस दिखता है। इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि मून के जो रोटेट करने की वेलोसिटी है वही उसके रिवॉल्व करने की भी है, जिसकी वजह से हमें हमेशा उसका एक ही फेस दिखता है। इसका मतलब ये भी है कि सिर्फ कुछ एस्ट्रोनॉट्स नहीं, मून के बहुत सारे अलग फेस देखे हैं जो अर्थ से देखना पॉसिबल नहीं है। मून के बारे में एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर हम लोग अर्थ से मून का डिस्टेंस लें और उसे मून के साइज से डिवाइड करें तो हमें 108 नंबर मिलेगा। और ये सेम नंबर हमें तब भी मिलता है जब हम लोग अर्थ से सन की डिस्टेंस लेते हैं और उसे सन के साइज से डिवाइड करते हैं। बिकॉज ये नंबर सेम मिल रहा है, इसकी वजह से अर्थ से हमें मून और सन दोनों की सेम साइज दिखाई देती है। बिकॉज ये नंबर सेम आ रहा है, इस वजह से हम लोग सोलर इक्लिप्स जैसे फिनोमिना देख पाते हैं। सोलर इक्लिप्स की मदद से एडिंगटन ने फर्स्ट टाइम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को राइट प्रूफ किया था, और सोलर इक्लिप्स का हमारे हिस्ट्री एंड कल्चर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एक और चीज़, ये जो 108 नंबर आ रहा है, 108 नंबर की बहुत सारी जगह रेफरेंस दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म में 108 नंबर को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है और इसे क्रिएशन का सोर्स माना जाता है, और इसका रेफरेंस और भी बहुत जगह मिलेगा। और अगर सोचा जाए तो अगर मून और सन उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे नहीं होते कि 108 नंबर दे, तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं होती अर्थ पे। जिस तरीके से हम लोग लाइफ देख रहे हैं, इसलिए पॉसिबल है बिकॉज सन और मून दोनों एकदम बराबर डिस्टेंस पे हैं। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि 108 नंबर कोई एक स्पेशल प्लेस होल्ड करता है। लेट मी नो योर व्यूज, शेयर दिस फैक्ट।